हेलो फ्रेंड्स, आई एम क्लास वन मैथ चैप्टर टू फैक्ट्स एंड रेशियोस। 2.5 का क्वेश्चन पर फर्स्ट सॉल्व करना। चलिए देते हैं क्वेश्चन के। देख क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर। ओके ना, तो हमको यहाँ पे डेसिमल नंबर्स दे जिसको हमको कंपेयर करना है, देन बताना है कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। ओके तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.5 पर 0.05। ओके ना, तो हमको बताना है 0.5 बड़ा है या फिर 0.05 बड़ा है। ओके तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चेक करना है क्या दोनों ही साइड्स की डिजिट इक्वल है या फिर नहीं। ओके तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट है एंड राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है। ओके ना, तो देखिए इन दोनों ही डिजिट को इक्वल करना होगा, तो इसके लिए हम लोग जो 5 है उसके हम लोग आगे लिख देंगे 0। ओके ना, तो आ गया 0.50। अब 3 3 डिजिट दोनों साइड हो गए। अब हमको कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, पहले ही डिजिट हम देखेंगे, तो 0 को 0 से कंपेयर करेंगे तो आएगा अपना कुछ भी नहीं। ओके ना, तो इससे हम पूरा पता चलेगा कौन सा साइड ग्रेटर है। ओके ना, तो अब नेक्स्ट डिजिट पकड़ेंगे तो अपना 5 है एंड यहाँ पे 0 है। ओके ना, तो 5 ग्रेटर है तो हमको ग्रेटर के सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में लगा देना है। ओके तो आप लोग सोच रहे होंगे हमने तो अभी लास्ट वाले डिजिट को कंपेयर ही नहीं किया। तो देखो भाई, इसमें होता क्या है, अगर तुम्हारा सबसे पहले अगर जो कंपेरिजन में आता है ना, देखो अभी समझाता हूँ। ओके तो मान लो यहाँ पे पहला अगर यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते और यहीं पे हमको पता चल जाता कौन सा साइड ग्रेटर है। ओके ना, पहले ही नंबर में अगर पता चल जाता कौन सा साइड ग्रेटर तो उधर ही सिंबल लगा देना है। ओके ना, पहले डिजिट को कंपेयर करना है देन उसके आगे सिंबल लगा देना है। ओके ना, दोनों इक्वल रहेंगे तो आगे बढ़ जाना है। ओके तो चलिए अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपना सेकेंड क्वेश्चन दिया है 0.7 और 0.5। ओके ना, तो हमको बताना है 0.7 बड़ा है या फिर 0.5। तो देखिए सेम रूल है, यहाँ पे दोनों ही साइड की डिजिट इक्वल है, तो क्या करेंगे कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 0 0 दोनों है इक्वल। ओके ना, तो अब हमको बताना 7 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है। ओके ना, तो 0.7 अपना हो गया ग्रेटर। ओके तो चलिए अब थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन दिया है 7 और 0.7, तो हमको बताना 7 ग्रेटर है या फिर 0.7 ग्रेटर है। ओके ना, तो हमको यहाँ पे डेसिमल वैसे ही लगा दिया। ओके ना, डेसिमल 0 वैसे ही लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके तो पहले डिजिट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो 7 और 0, तो देखिए हमारा पहले ही डिजिट में रिजल्ट निकल के आ गया, तो 7 अपना ग्रेटर है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में लगा देना है ग्रेटर का सिंबल। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन दिया 1.37 और 1.49। ओके ना, तो हमको यहाँ पे बताना है 1.37 ग्रेटर है या फिर 1.49 ग्रेटर है, तो चलिए कंपेरिजन करते हैं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट डिजिट को देखेंगे तो दोनों ही डिजिट यहाँ पे सेम है। ओके ना, देन सेकंड डिजिट को देखेंगे तो यहाँ पे है 3 एंड यहाँ पे है 4, तो देखिए 3 से 4 ग्रेटर होता है, तो हम अपने राइट हैंड साइड में ग्रेटर का सिंबल लगा देंगे। ओके तो 1.49 अपना आ चुका है ग्रेटर। ओके तो चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन दिया है 2.03 और 2.30। ओके ना, तो हमको यहाँ पे बताना है 2.03 ग्रेटर है या फिर 2.30 ग्रेटर है। ओके ना, तो चलिए कंपेरिजन करते हैं। तो पहले डिजिट को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों डिजिट सेम है। ओके, सेकेंड डिजिट को देखेंगे तो यहाँ पे है 0 एंड यहाँ पे है 3, तो देखिए 0 से 3 ग्रेटर है। ओके तो हम अपना राइट हैंड साइड में लगा देंगे ग्रेटर का सिंबल, दैट मींस कि अपना 2.30 हो गया अपना ग्रेटर। ओके तो चलिए अपना सिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना सिक्स क्वेश्चन दिया है 0.8 और 0.88। ओके ना, तो हमको यहाँ पे बताना है 0.8 ग्रेटर है या फिर 0.88 ग्रेटर है। ओके तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट है एंड राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है। ओके ना, तो इन 2 डिजिट को हमको बनाना है 3 डिजिट में। ओके तो उसके आगे हम लोग लगा देंगे 0, तो अपना हो गया ये भी 3 डिजिट। ओके तो अब चलिए कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट को देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 है। ओके दोनों ही इक्वल है तो हमको आगे बढ़ जाना है। तो सेकंड डिजिट भी देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो देखिए यहाँ पे भी इक्वल है। अब यहाँ से क्लियर नहीं होता है कि कौन सा ग्रेटर है, अब हमको आगे बढ़ना होगा। आगे जो नंबर ग्रेटर, जिस साइड ग्रेटर होगा नंबर, उसे हमें ग्रेटर लगा देना है। तो देखिए लास्ट डिजिट में आ रहा है 0 और 8। ओके ना, तो 8 ऑब्वियसली ग्रेटर है, तो अपना 0.88 हो गया अपना ग्रेटर। ओके तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है पे एंड। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक का बटन दबा सब्सक्राइब जस्ट कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।